थोड़ा इनकी ये उड़ीसा के हैं, इनकी हिंदी कमजोर है, उस हिसाब से आराम से इनको बताइएगा सर। देखिए पहले कैसे क्या लिखा है, दो नंबर से क्लिक करिए, अपू डाउन जाइए, अपू डाउन डाउन में जाइए और इसको गेट द लेटेस्ट बटन को क्लिक करिए और स्क्रीन को ऊपर करिए, स्क्रीन को ऊपर करिए और ऊपर करिए और ऊपर यहाँ पर क्लिक करिए, डाउनलोड डाउनलोड पर क्लिक करिए, नीचे कर दिया ये ग्रीन कलर में डाउनलोड लिखा है, इसको क्लिक करिए। अब आपका हमारा डाउनलोड एनीवे करिए, डाउनलोड एनीवे करिए और ये आपका जहां से डाटा चेक करते हैं कोई वहां पर जाइए, जहां से डाटा ऑन करते हैं, नेट ऑन करते हैं, देखिए एक मिनट रुकिए, यहीं पर भी ये फाइव सौ का ऊपर जहाँ पे सर्च करते हैं वहां पे डाउनलोड फ्री करिए, इसको फाइल डाउनलोड लिख दिया, यहाँ पे हो गया है फाइल डाउनलोड को क्लिक किया, जहां से एक अभी से बांध कर जाइए, बांध के लिए यहाँ से मिनिमाइज करिए, इसको मिनिमाइज करिए। आवाज मेरी क्लियर आ गई है जो प्रमोदक कुमार बैरा जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी सर जी, या माई फाइल क्या सर्च करना देखे जरा, सर्च करना आता है सर आपको सर फाइल जी, रिसीव क्लिक करना है, ये स्किप करिए या अलाउ करिए, आप लोग पहली बार यूज कर रहे हो, अलाउ करिए और यहाँ पर जाइए डाउनलोड पे, कहाँ लिखा है डाउनलोड, ये आप एस एपीके क्लिक करिए, इसको बाइनेंस एपीके लिखा हुआ क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग को क्लिक करें, बटन को ऑन करें, अब बैक आइए, ये क्या बोल रहा है, कुछ सोल्यूशन लग रहा है, ओके करिए, ओके कर दीजिए सर, लिख रहा है डेंजर, तीनों पे क्लिक करके ऑप्शन आएगा ओके का सर, नहीं गोला क्लिक करा, ये जो गोला है ना गोला क्लिक करें, हाँ हो गया है, बैक करिए, ऊपर एरो दिया है बैक का, एक से बैक कर ले, ये बैक नहीं बोलते हैं सर, ऊपर एरो दे, कहाँ पहुंच गए आप, एक मिनट में बैक मतलब कहीं भी जाना नहीं होता है सर, कहीं भी हम घुमाते रहे, बैक मतलब स्टेप बैक होता है, तो हमें मिनिमाइज करिए पहले इसको, तो देखिए वो जहाँ बटन ऑन किया था वो बटन में वो पेज कहाँ है, ये सारे पेज है, वो पेज को आप आगे पीछे करके देखिए वो पेज कहाँ है, नहीं तो ऐसा करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी को दोबारा क्लिक करिए जहाँ पे बाइनेंस एपी के लिखा हुआ है, पेज को लेके आइए जहाँ बाइनेंस एपी के लिखा है, इसको बाइनेंस एपी को दोबारा क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए, अलाउ करिए, अभी अलाउ का ही नहीं है, दोबारा अलाउ करिए, नीचे एग्री देखिए थे गोला सर, देखिए गोला जो नीचे है ना कैंसिल के ऊपर गोला है उसको क्लिक करिए, कैंसिल के ऊपर बोला है क्लिक करिए फिर ओके करिएगा, नहीं हो रहा है, हो रहा है, देखिए कैंसिल के ऊपर छोटा सा गोला है उसको क्लिक करना है और फिर ओके को दबाना है, जो आई सी ओर ऑफ दी पॉसिबल, आपने पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ना नहीं है, पढ़ नहीं है उसके मतलब ओके करिए, ओके करिए, आप इतना डरते क्यों है कि कुछ और ना हो जाए, आप स्टार्ट करें,
आगे क्या आ रहा है, ओपन करिए इसको, ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर यू कौन सा टाइप चाहिए बोला, एक्सपीरियंस यूजर, एक्सपीरियंस के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी, हाँ नीचे भी कर लीजिए। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल या फोन नंबर जो भी आपने बैलेंस में दिया हुआ था वो यहाँ पे दीजिए, जैसे आपने दोनों दोनों दिया हुआ कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लीजिए। नेक्स्ट यही है, नहीं मैं नेक्स्ट करिए, मैं नेक्स्ट करिए, कोई नहीं मैं यही है दूसरा हो, नेक्स्ट करिए पहले तो मालूम पड़ेगा कि यही दूसरा हो, गलत है जिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं लॉगिन, ये आपका ना कहीं खुला हुआ है, पहले वहां से उसको हटाइए, लॉगआउट करिए, तब जाके आपका यहाँ पे ओपन होगा। आपका दूसरे मोबाइल में लॉगिन है तो ये आप किसी एक ही मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। मेरा जो पुराना मोबाइल है ये खराब हो गया, इसलिए उसको लॉगिन में भेज दिया, इसलिए आपने ऐसे करिए, नीचे ना लॉगिन दिया हुआ है, लॉगिन क्लिक करिए, ऊपर नया बनाने के लिए रखता क्लिक किया, नीचे ना ये पीले कलर में यानी दिया हुआ है साइन अप, लॉगिन में क्लिक करना है, लॉगिन को क्लिक करिए, लॉगिन में क्लिक कीजिए, यहाँ तक आप फ्रेश कर रहे हैं इसलिए दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे टाइप करिए, आपने साइन अप नहीं कर लिया है, सुविधा अनुसार फोन नंबर दीजिए, चलिए कोई नहीं, क्या होता है इन्होंने ईमेल आईडी दी हो, नहीं आप ईमेल मेल रहने दीजिए, मेल भी डालिए, अरे सर मेल पे आएगा वगैरह, कोई बात नहीं डाल दीजिए, जो डालने डालिए, वैसे मालूम पड़ेगा कि इनका ईमेल से पहले किया हुआ है, मोबाइल नंबर पे हो जाएगा क्या, इनको मालूम पड़ जाएगा। आप इसका जो पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड डालिएगा, जब बैलेंस बनाए थे वो वाला पासवर्ड लिख वही वाला डालिएगा, इतना क्लियर कर रहा हूँ जी सर। वो पासपोर्ट है तो खुल जाएगा सर, सही पासपोर्ट है तो खुल जाएगा, इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज कोई बात नहीं, आप गलत है सर, पासवर्ड यहाँ कहीं लिखा हुआ है आपका, कहीं आपने लिख के रखा हुआ है पेपर, चेक कर लें, वहीं पर फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, वो आंख में आंख में एक बार टच कीजिए ऊपर दिखाई देगा सर, नहीं नहीं उनको टाइप करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंख में दिखाई देगा तो कौन भी इनका पासवर्ड देखने से बैलेंस का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईमेल आईडी देख लिया और इसका भी ओपन कर देंगे, ये बैलेंस उससे कब्जे में हो सकता है, ये है कि नंबर है ईमेल आईडी हम चेंज कर सकते हैं बाद में, चेंज नहीं किया तब दिक्कत हो सकती है, अभी मालूम नहीं तो फर्जट भी मार सकते हैं सर, वहां पर जो आता है चीफ एलिफेंट ऐसा बात है सर, तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, वो फोटो पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो रहा इस समय टाइम नहीं है, अभी पूछने दीजिए आप डायरी में कहीं पासवर्ड लिख के रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बस ये बताइए पहले,
सर मेरा सॉरी पासवर्ड ये है। आप टाइप करके उसके बाद आंख में मारिए दाहिने तरफ, उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। सवाल किया जा रहा है कि आपने डायरी में लिखा है कि नहीं लिखा है, पहले ये बताइए लिखा या नहीं। सर लिखा लिखा मेरा डायरी में यही था। मेरी बात सुनो, लिखा हुआ है तो आपने यहाँ मोबाइल नंबर दिया है तो उसका वहाँ पे आपका ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशन से इसको लोन करिए। अगर ईमेल आईडी दिया हुआ है वहाँ पर तो, अगर हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है तो उसी से आपका ओपन होगा, लेकिन मोबाइल नंबर पर होगा। सर सबसे आसान है फॉरगेट करवा दीजिए सर, हो जाएगा वो लंबा पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट, एक सवाल और पूछिए बेहरा जी, ये जो मोबाइल नंबर आपने डाला है ये पहले वाला ही नंबर है ना कि दूसरा नंबर है? जी सर मेरा पहले वाला नंबर था जो बाइनेंस में पहले नंबर पड़ा था वही है। जी जी सर, तो पासवर्ड क्या गलत बता रहा है? अब जाके देखिए सर, पासवर्ड गलत है। देखिए मेरी बात एक मिनट बोलने दीजिए जरा मेरे को भी, आपने कभी पासवर्ड में कैपिटल और स्मॉल का गलती कर रहे हैं? मान लीजिए आप जो लिख रहे हैं उसमें कोई कैपिटल का गड़बड़ हो सकता है कि कोई वर्ड आपने कैपिटल लिखा है यहाँ स्मॉल लिखा है। ओके करिए, क्या लिख रहे हैं सर? इनकरेक्ट पासवर्ड मेरी अरे चौबीस घंटे के लिए लॉक हो गया भाई, बार बार कोई बात नहीं। अब कल के सेशन में किया जाएगा, कल के सेशन किस तरह है आज? एक मिनट, कल वीरवार है, बार बार